अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तान हेल्थ चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में लाया हूं वो बहुत ही मुसर और लाजवाब नुस्खा है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भुलक्कड़ अफराद के लिए खास इलाज, 10 दिन में आंख तेज हाफजा मजबूत। मेरे ऐसे बहन भाई जो भुलक्कड़ हैं, रोज़मर्रा के काम बार बार दोहराने के बाद भी भूल जाते हैं, ऐसे अफराद को मैं बहुत ही आसान और देसी इलाज बताऊंगा। ये इलाज ऐसे बच्चों के लिए भी मुफीद है जो जहनी तौर पर कमज़ोर हैं, यानी स्कूल तो जाते हैं, अपनी किताबों को याद तो करते हैं लेकिन फौरन बाद भूल जाते हैं, किताबों को रटा लगाते हैं लेकिन सबक याद नहीं होता। इस नुस्खे के इस्तेमाल से सिर्फ चंद दिनों में जहन तेज़, हाफजा मजबूत और कमज़ोर नज़र बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप दायमी सरदर्द का शिकार हैं, बैठकर उठने या ऊपर देखने से सर चकराता है, तो सिर्फ 3 दिन में आपका ये मसला हल हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा और अगर इंशाल्लाह ताला आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसका रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान हेल्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन, नुस्खा बनाने के लिए जो अज़ा चाहिए वो नोट कर लें। गाजर के बीज 20 ग्राम, काली हड़ 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, मग़ धनिया 20 ग्राम, ये तमाम चीज़ें आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बआसानी से मिल जाएगा। मिश्री 20 ग्राम लेनी है आपने। तमाम अज्जा को बराबर मकदार में लेकर सफूफ कर लें और इस सफूफ को किसी हवाबंद जार में बंद कर लें। अब इसकी 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात खाने के बाद दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। मैग्रेन, सर दर्द, नींद का ना आना और सर का चकराना, ये तमाम मसाइल 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। जहन को तेज़ करने और हाफ्ते को मजबूत करने के लिए 40 दिन तक इस इलाज को जारी रखें, जबकि 15 दिन तक आपको वाजिया फर्क हासिल हो जाएगा। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये नुस्खा नहायत मुफीद है। वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये नुस्खा ज़रूर खिलाएं। इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप यकीन और तसल्ली के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये इलाज ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही मौसर और लाजवाब और मुफीद नुस्खा साबित होगा। आप सब इसे इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाकिस्तान हेल्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।